ठीक है सर, मैं आपको सामने देखो यार, सामने जी आप कोई कुछ है नहीं नहीं प्रतापगढ़ जो है 7 लोग हैं, 8 ही लोग हैं। ठीक है, थैंक यू। ये आरक्षी भर्ती के लिए 2018 की वैकेंसी थी, जनवरी में इनका एग्जाम हुआ था और प्रयागराज जनपद में जो जोनल स्तर पे 8070 लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल वेरिफिकेशन होना था, सब हो गया था। 734 लोग शेष थे जो किसी कारणवश नहीं आ पाए थे, उनका कल वेरिफिकेशन किया जा रहा था, जिसमें 32 लोग 734 में 32 अपीयर हुए थे, 16 लोग पास हो गए थे, एक फेल हो गया था हाइट कम होने के चलते, और 15 लोग ऐसे पाए गए जिन्होंने अपने जो परीक्षा के दौरान फ़ोटो लगाए थे और जो उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह उन्होंने लगाए और उनका जो फिंगरप्रिंट्स वगैरह लिए जाते हैं उसमें, और अब जब ये दोबारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आए तो उसमें डिफरेंस पाए जाने पर जब जांच हुई कि जो फॉर्म भरे थे और जो उसके बाद परीक्षा के दौरान जब उनका फिंगरप्रिंट और अन्य जो कार्रवाई की गई पुलिस की जो अपनी चेकिंग के तरीके हैं तो उसमें इन लोगों में अंतर पाए जाने पर इनकी जांच की गई, जांच में पाया गया कि इन्होंने जो अपनी लिखित परीक्षा थी उसमें किसी दूसरे व्यक्ति को बैठा रखा था और उसमें पैसे की भी लेन देन की बातें हैं जिसके बारे में अभियोग पंजीकृत करके विवेचना कराई जा रही है और इसमें 15 लड़के पकड़े गए हैं, इनका अन्य जो साक्ष्य उसका संकलन किया है। इसमें जोन के सभी जनपदों के लड़के हैं अलग अलग और इनके सेंटर भी अलग अलग जगहों पे थे, ये अलग अलग जगहों पे इन्होंने इस तरह के काम किए थे उसमें विवेचना कराई। सर इसमें कितना पैसे लेन देन की बात अभी तक आई है? अब पैसे लेन देन के बारे में अलग अलग इन्होंने बताया है कि जिसने जो भी जिसका जैसे भी व्यवस्था बनी उन्होंने अपना पैसा दिया। आगे जो कार्रवाई होगी जो उन्होंने एग्जाम दिया उन बिल्कुल तो विवेचना का विषय है, विवेचना में जो लोग इसमें आएंगे। ठीक है सामने देखो यार, कोई कुछ है नहीं नहीं प्रतापगढ़ जो है 7 लोग हैं, 8 ही लोग हैं। ठीक है, थैंक यू।